सहाफ़ी हजरात, हम लोग का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो रात को गुरबत के इलाके में जो दहशतगर्दी हुआ है, इसका मजम्मत करने का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है, और साथियों की तवज्जो से हम आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो लोग कर रहे हैं और बलोच आवाम को परेशान कर रहे हैं, लिहाजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आवाम को ये तसल्ली देना चाहते हैं कि हम पाक फौज के साथ हैं और हमारा कौम जो बलोच आवाम वो पाकिस्तान की फौज के बहादुर सिपाहियों के साथ हैं और साथ रहेंगे। मुल्क में दहशतगर्दी की आलिया लहर इंतहाई काबिल मजम्मत है, जिसमें मासूम जानों का ज़ाया हो रहा है। गुज़श्ता शब नेवी एयरबेस गुरबत में चंद शहरपसंदों ने दाखिल होने की कोशिश की, जैसे हमारे बहादुर फोर्सेस ने हर वक्त नाकाम बनाकर गुरबत को एक बड़े तबाही से बचा लिया है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, पर हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि चंद बैरूनी आलाकार अपने आकाओं अमेरिका, इंडिया और इसराइल को खुश करने के लिए हमारे मुल्क में फसादात पैदा करने चाहते हैं। ऐसे फसादी ग्रोहों के खिलाफ बहादुर फोर्सेस की कई सालों से इंतहाई बहादुरी के साथ लड़कर वतन का दफा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आवाम सुकून के साथ महफूज हैं। अगर हमारे बहादुर अफवाज बहादुरी ना दिखाएं तो पाकिस्तानी आवाम भी गैर महफूज हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, गुज़श्ता शब 10 बजे तकरीबन 4 फसादियों ने नेवी कैंप के अंदर दाखिल होकर दहशत फैलाने की कोशिश की, जैसे नाकाम बनाकर चारों को बरवक्त हलाक किया गया है और अब इलाका मुकम्मल क्लियर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद गुरबत के अवाम को मुबारकबाद और अपने बहादुर फोर्सेस की कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।